Zindabad!
मौखा क्षेत्र कारगिल में और कल से लेकर कल 11:30 के लगभग जब हाजी नायक साहब ले में उतरे थे वहां उनका कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत और जो हम लोग देख रहे हैं कि ले से लेकर करगिल तक पहुंचने में अभी तक हमें 8 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा है वो अपने आप में दर्शाता है कि हाजी इनायत साहब करगिल और ले के पूरे लद्दाख के दुनियाओं के या इस लद्दाख क्षेत्र के सभी समुदायों के एक ऐसे लीडर हैं जिनका मित्रों कोई मुकाबला नहीं हो सकता। खटक डलवाते हुए लोगों से मिलते हुए और सबसे बड़ी बात यह थी कि एक जगह पर मात्र 3 कार्यकर्ता खड़े थे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर। मुझे लगा कि बाकी नेताओं की तरह ये भी दूर से हाथ हिलाएंगे लेकिन गाड़ी रोककर इन्होंने वहां भी उतना समय दिया। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद अमित शाह जी के आने के बाद इस देश को नई दिशा मिली है। इस देश की दशा में सुधार हुआ है। इस क्षेत्र की दशा में भी सुधार हो। हाजी नायत अली जी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। सुमाननीय मंच का भी हमारे जिला के अध्यक्ष हमारे और जितने भी हमारे काउंसलर्स आज हमारे साथ हैं मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरीके जितने भी पंच सरपंच जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोटर्स वोटर्स विधायक मेरी मातृशक्ति आज यहाँ पर साथ है जितने नंबरदार हमारे यहाँ पर है मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ कि जितना जोश जितना सपोर्ट आपने हाजी राय जी को यहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के समय दिखाया है आगे भी ऐसी सपोर्ट इनके साथ आप सबकी रहेगी। मैं सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय भारत जय
Est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est? Vedi, io anche ci 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 con la nuvola. Onze.
C'est ça, faites attention. Aga. Thank you.
कभी अपना हिम्मत नहीं हारा, हमने अपना कभी हमना अपना हौसला जो है कमजोर हमने नहीं किया, क्योंकि हमें विश्वास था, क्योंकि हमें यकीन था कि एक न एक दिन ऐसा आएगा उस वक्त पूरा करके जो है भारतीय जनता पार्टी के रंग में ही रंगेगा। और आज इसका शुरुआत जो है हमारे हाजी इनायत जी ने इसका आगाज कर दिया है। मुझे पता नहीं इसके बाद कितने भाषण लगाने पड़ेंगे कि कितने लोगों को साथ में जोड़ना पड़ेंगे, क्योंकि ये काफिला यहां पे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है वो रुकने वाला नहीं है, इससे आगे बढ़ के जाना है। और मैं आप लोगों को एक यकीन दिलाना चाहता हूं, आने वाले पिछले 25 साल के बाद सिर्फ यही भारतीय जनता पार्टी ही रहेगा और किसी पार्टी का अभी वजूद में नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों का पार्टी है, आम गरीब आवाम का पार्टी है, यहां किसी शख्सियत का राज नहीं चलता है। आप कांग्रेस का हाल देखिए क्या है, वहां सिर्फ दो चेहरे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसके सिवा कोई गांधी के बगैर कोई प्रधानमंत्री वहां नहीं बन सकता, कोई वहां नेशनल प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। हमारे आज का करगिल के कांग्रेस का हालात देखिए, पिछले चुनाव में जो लोकसभा इलेक्शन के चुनाव में हुआ था, और मैं समझता हूं अगर किसी ने करगिल के आवाज के जज्बात के साथ, किसी ने करगिल के आवाज के पीठ के पीछे अगर किसी ने छोरा फोका है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने दोगलापन किया, उन्होंने करगिल के आवाम को धोखे में रखा, उन्होंने मैंडेट दिया कहीं ले में और यहां एक प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा वाहिद पार्टी है, जिस वक्त उन्होंने सीधा बोला था अगर करगिल के आवाम एक होता है तो हम भारतीय जनता पार्टी भी आप लोगों के करगिल के आवाम के साथ है। इस इतिहास को किसने तोड़ा, किसने लोगों के आंख में धूल चौंका। बहुत सारे बातें मेरे मैं आज कहने को मन करता है, लेकिन वक्त की कमी के वजह से, वक्त की तंगी के वजह से आप लोगों को ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूं, लिहाजा इतनी बातों के साथ मैं आपसे रुखसत चाहता हूं कि आप जिस पार्टी के दामन में थामा है, जिस पार्टी के आगोश में आया है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह करगिल में जो आने वाला पार्टी होगा वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बगैर कोई नहीं होगा। लिहाजा इन्हीं अल्फाजों ये इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि पूरी हिंदुस्तान में वजीर आजम हम जनाब नरेंद्र मोदी साहब की कयादत में पूरी देश चल रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में हाजी इनायत अली साहब और उनके पूरी टीम ने भी ये डिसीजन लिया कि हम भी मोदी जी के कारवां में चलेंगे और हमारी जिला और हमारी खत्ते की खुशहाली, हमारी खत्ते की तरक्की के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। हम फिर से एक बार हाजी इनायत अली का फिर से खैर मकदम करता हूं। अजीज दोस्तों, आज के इस दिन के मौके पर हमारे लिए बहुत ही खुशी का मुकाम है। बहुत ही आज से 20-25 साल पहले पार्टी के सीनियर लीडरों ने हमारे इलाके की तरक्की के लिए, हमारी खत्ते की खुशहाली के लिए इस पार्टी का बुनियाद रखा, जिसके साथ ही पूरा लद्दाख जुड़ गया। लद्दाख का यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का यह जो कन्वेंशन एक ऐतिहासिक कन्वेंशन रहेगा, यह इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। तमाम लोगों का मैं फिर से एक बार, चाहे हमारे पार्टी बीजेपी का चाहे पहले से है पूरे सीनियर लीडर और हाजी साहब के साथ पूरे पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके अलावा भी जो भी मैं इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उलमाए किराम, सादात इज़ाम, मेरी माँ बहने, सबका जो प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज इस एजेंडे पे पूरे अवाम ने इतमाद करके इस पार्टी में शमूलियत किया।
जिसका पूरे पार्टी की तरफ से आप सबका फिर से एक बार अस्तह दिल शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त बहुत कम है, हमारे मुकर्रीन बहुत ज्यादा है, मैं इशारा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली जी। हाजी एनाद अली जी, चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल, पूर्व मंत्री हमारे अस्सा शर्मा जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर अली चंदन जी, बाकी मेरे साथी काउंसिलर्स एलएचडीसी कारगिल में, बीजेपी के काउंसिलर्स, पार्टी के अध्यक्ष अली मजाज जी, यहाँ पे जितने भी बैठे हुए उलमाओं और बाकी पार्टी के नया सदस्य हो या पुराना सदस्य हो, सबको, आप जितने भी लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं, सबको मैं जुड़े कहना चाहूंगा, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जन शब्द कहना जरूरी समझता हूँ। आज के इस मौके में जो कारगिल में जो हमारा जो वैसे तो पूरे खत्ते लद्दाख में एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जबरदस्त हो रहा है, पूरा हमारे रियासत में हुआ है, आज के तारीख में यूटी के नाम पे पूरे लद्दाख रीजन में जो एक नया दौर चल रहा है, एक नया डेवलपमेंट चेंजेस चल रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हो रहा है वो आप सबको मालूम है। बहुत सारी चीजों में लेह डिस्ट्रिक्ट हो या कारगिल डिस्ट्रिक्ट हो, ये कंफ्यूजन है कि यूटी के बाद क्या होगा, यूटी में क्या होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जिस सरकार से हम लोग ताल्लुक रखते हैं, उसने हम सब के लिए, भलाई के लिए, तरक्की के लिए कुछ अच्छा चीजें सोचा हुआ है। उसी तरह आप लोगों के बीच में हर दिन सरकार की तरफ से छानबीन करने वाले लोग आते हैं, जाते हैं, शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता होगा, और बहुत ऐसे बहुत सारे कमिटीज भी आते हैं जो हमारे लीडरान से मिलते हैं, उनका ख्याल जानने की कोशिश करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या प्रोटेक्शन चाहते हैं, आप किस चीज को पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो यूटी हमें लद्दाख रीजन को मिला है, उसमें सबका खुशहाली होगा, उसमें भेदभाव नहीं होगा, उसमें डिस्ट्रिक्ट के नाम पे झगड़ा नहीं होगा, उसमें गौर मुस्लिम के नाम पे झगड़ा नहीं हुआ, ऐसा एक सोल्यूशन सोच के मेरे ख्याल से मोदी सरकार ने एक निर्णय लिया है। उस निर्णय को अभी हमारे सभी दोनों डिस्ट्रिक्ट के लीडरान ने, पब्लिक ने वेलकम किया है। इसी के साथ साथ इस मुबारक के बाद साथ ही साथ मैं हाजी इनाद अली जी को मुबारकबाद देता हूँ, उनके साथी काउंसलर्स और एग्जीक्यूटिव, उनके बॉडीज मेंबर्स, उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत सही टाइम पे एक ऐसा निर्णय लिया है जो हमेशा कारगिल के हित में ही आएगा, ये कारगिल के हित में ही है। मुझे याद है वो दिन जब भारतीय जनता पार्टी ले लाया था हम लोगों ने, या मैं संस्कार में लेके गया था, हमें बोला गया था ये हिंदू का पार्टी है, भाई साहब हमारा पार्टी कांग्रेस है, लेने बोलते थे, एनडीए वाले भी बोलते थे, बहुत सारे बोलते थे, हमारे संस्कार वाले भी बोलते थे ये हिंदू का पार्टी है भाई, हमारा बुद्धिस्ट का पार्टी कांग्रेस है। उस वक्त मैंने वो सिलसिला देखा जब कारगिल में जब कांग्रेस आ रहे थे, तो हमारे कारगिल के भाई लोग बोलते थे भाई कांग्रेस तो वो बुद्धिस्ट का पार्टी है, हमें नहीं चाहिए, बोलते थे कि नहीं, अब सबको याद होगा, वो एक सियासी पार्टी है, ना हिंदू का है ना बुद्धिस्ट का है, कांग्रेस ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है ना बुद्धिस्ट का है, बीजेपी आज की तारीख में ना हिंदू का है ना बुद्धिस्ट का है ना मुस्लिम का है, ये एक डेवलपमेंट के लिए हमारा एक सियासी तंजीम है, जिसको देश में जैसा हवा चल रहा है उस हवा के रुख को सुन के, महसूस करके आज हाजी इनायत जी ने जो निर्णय लिया है वो मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट कारगिल के आने वाले बच्चे, आने वाले इतिहास के लिए बहुत बड़ा निर्णय है। इसलिए मैं वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सबको भाग भी पता है हाजी इनायत जी, मेरे ख्याल से जहां तक मैं जानता हूं हाजी इनायत जी सियासत में बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ, पीडीपी में आने से पहले इनका सियासी कारगिल में मेरे ख्याल से सियासी तौर पे कोई जान पहचान मुझे तो नहीं लगा, लेकिन पीडीपी में ज्वाइन करने के बाद भी हमारे कारगिल का नाम रोशन किया, कैसे कारगिल में ऐसा कोई शख्स दिखाओ जो जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर या गवर्नर, उसके अलावा अहदेदार जो पोस्ट संभालने वाला सिर्फ कारगिल से हमारा हाजी इनायत जी है, कारगिल का नाम रोशन किया, हमारा जो आइडेंटिटी है कारगिल का
असेंबली में घर से गोंचा पहन के जाते थे, हमें फख्र महसूस होता था। बेशक मैं उस वक्त बीजेपी पार्टी में था, लेकिन तारीफ करते थे ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सनैलिटीज को। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा है तो देश का 135 करोड़ एक दिशा में चल रहा है आज हिंदुस्तान का, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट अलग दिशा में जाएगा तो हमारा तरक्की नहीं होगा, हमारे बच्चों का रोजगार सेफ नहीं होगा, हमारा कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं बनना था। आज जो इन्होंने निर्णय लिया है वो सही माने में निर्णय लिया है, मैं यकीन के साथ कहता हूं। अगर कोई कौम की बात करता है, कौम पे आएगा, मुझे उम्मीद नहीं, मुझे 100% भरोसा है हाजी साहब कभी हिस्सा नहीं चुकाएगा कौम के लिए, कौम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट को देखकर एक सियासी तंजीम को चुना है, डिसीजन लिया है, तो हमें पता है। मैं हूं तकरीबन हाजी गुलाम के साथ बीजेपी शुरू किया था लद्दाख रीजन में, 25-30 साल हो रहे, मैं उस वक्त बीजेपी में काम करता था। बीजेपी में रह के अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बैठ के अडवाणी जी से ताल्लुक रख के हमने एक रोड बनाया, आप सबने सुना होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखा होगा। आज संस्कार जो है हिमाचल से कनेक्ट हो गया, आज खत्ते लद्दाख में संस्कार सबसे नजदीक दिल्ली से बनेगा, तो संस्कार वो भारतीय जनता पार्टी ने बना के दिया। मुझे याद है उस दिन, वो दिन मुझे याद है जब हमारा यहाँ से शामकू से हमारा जो पानीखाट से पहलगाम का रोड का इश्यू चल रहा था, ले से भी थे हमारा कोर्सो से स्पीति का रोड का चल रहा था, हमारा जासकार का भी चल रहा था, ये हेमोपतुम चर्चा रोड का, तीनों परलाल में चल रहा था, मुझे याद। लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का हाथ दामन थमने से ये प्रोजेक्ट आज कंप्लीट होने पे आया है। उसी तरह उसी दिनों में हमारा करगिल का सुजीला का बात चल रहा था, अभी तक हमारा सुजीला नहीं बना, लेकिन आप बनेगा, हाजी साहब के कायदे से बनेगा, हाजी साहब के जो नेटवर्क जो अभी सेंट्रल लेवल पे बना है उसकी मेहरबानी से बनेगा, हमारा एयरपोर्ट भी बनेगा, हमारा सुजीला भी बनेगा। हम सब हाजी साहब के साथ मिल के चल के सुजीला को बनाने में हम सब उनका सहयोग चाहिए, करगिल के नौजवानों का सहयोग चाहिए, हम सब मिल के सुजीला का टनल बनाएंगे। क्यों नहीं बने, सब नहीं बनने वाला कोई चीज है नहीं। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं सब आप सबको सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। हमने बोला था उस दिन जब काउंसिल में हम पहली बार आए थे तो हमने बोला था LHDC कारगिल में हमारा एक नुमाइंदगी आया और हर चीज हर गिनती एक से शुरू होता है। आज हमारा साथ काउंसिलर से मेरे ख्याल से सुजीला टनल बनने के बाद पूरा काउंसिल ही बीजेपी का ही होगा, ये विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। इकराम साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पंच पर सेना आज के कार्यक्रम के जिनके इस्तेमाल के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ऑनरेबल चेयरमैन साहब हाजी नायक अली साहब, काजू साहब, पूर्व CEC भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के अध्यक्ष डॉक्टर अली जी, अली वजा साहब, हाजी साहब, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पाशा जी, ताशी जी, अभी हम सबने जिनकी बात सुनी, हमारे आने वाले काउंसलर लखपा जी जिनके माध्यम से हाजी नाइद अली और उनके सभी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, हमारे सभी ऑनरेबल काउंसलर्स चुने हुए नॉमिनेटेड इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता मित्रों दोस्तों साथियों, बड़ा अच्छा लगा कल 11 बजे से लेकर हाजी नाइद अली जी के साथ ले से लेकर यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। 4 घंटे का सफर अंतराल में जिस तरीके से करगिल के बारे में सोचा गया, करगिल टनल के बारे में सोचा गया, यहाँ के जो हमारे यहाँ पर जो सड़क जो बीच में से छुट्टी है जसकार की तरफ से उसकी डेवलपमेंट की तरफ जो है वो सोचा गया,
शुरू से आगे कभी सड़क जो थी वो कभी नहीं पाती थी, लेकिन लगातार से जो डेवलपमेंट का जाल नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और आज मित्रों वही अमेरिका जहां पर नरेंद्र भाई मोदी जी को जाने में रोक थी, कभी उनको वीजा नहीं दिया गया था मात्र इसलिए कि वो नरेंद्र भाई मोदी हैं, आज उनके स्वागत के लिए मित्रों पूरा अमेरिका जो है वो खड़ा है। आज हमारी सोच ने, बड़ा अच्छा लगा मुझे माने हाजी नायक अली जी का एक सोच कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट के कार्यों को लेकर आगे बढ़ना है, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा एयरपोर्ट भी एक अच्छे एयरपोर्ट में शामिल हो, और हम लोग भी कश्मीर के माध्यम से, उसके बाद मनाली के माध्यम से, लेह के माध्यम से, और उसके बाद हिमाचल के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के साथ और उसके साथ भारतवर्ष के साथ जुड़े, तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी और बढ़िया पार्टी कोई नहीं। सबका साथ सबका विकास, और आज नेतृत्व मोदी जी का जो सपना है सबका विश्वास, ये सबका विश्वास ही है कि आज इस हाल में भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है 1000 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं ने मिलकर थामा है। मैं इसके लिए अली मजार जी को भी बधाई देना चाहता हूँ और हाजी आजी इनायत अली जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके माध्यम से मेरा मानना है कि काउंसिल के चेयरमैन बनने के बाद जिस तरीके से लगातार से डेवलपमेंट के कार्य इन्होंने किए मित्रों, वो अपने आप में उदाहरण है। आज मैं जब डेवलपमेंट की का प्रश्न देखता था, हमारे यहां से विधायक भी चुप के गए थे, कांग्रेस के विधायक थे बोलते भी थे, जब हम लोग असेंबली में होते थे मैं भी असेंबली में था वो बोलते भी थे, लेकिन कभी उन्होंने इतना कार्य नहीं किया। मैंने हाजी साहब को खुद हमारे एक्स मिनिस्टर सर शर्मा जी, हमारे देश से आए हुए श्री काशी जी, बीजेपी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी खत्री प्रताप साहब और यहाँ बैठे हुए हमारे पुराने साथी कर्जू गुजार के जितने भी उनके साथ पार्टी जुटे गए, नाम कभी बोल सकता हूँ। यहाँ बहुत सारे पंच भी हैं, सरपंच भी है, सरदार भी है और गांव के बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं। मैं और तमाम आप सबका मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आप उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के एक ऐसा मतलब दिन आया कि आज मैं खुद अपने आप को मतलब मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि अपने आप में मुझे इतना भरोसा नहीं रहा कि मैं आज इस तरीके का माहौल कि करगिल में बीजेपी के लिए इतना बड़ा मतलब स्टेज बनेगा, ये मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं और मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी कभी नहीं सोचा होगा। जिस तरीके से बीजेपी को प्रोजेक्ट किया जा रहा था करगिल में, तो जाहिर है कि सब इंसान है तो सबके लिए बीजेपी के लिए कुछ अलग है मतलब प्रोग्राम देखने में। आज मैंने देखा यहाँ पर कि मेरे भाइयों मेरे साथियों जो मेरे से शुरुआत से ही मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप सब जो है शुरुआत ही शुरुआत ही हम आज से 10-15 साल पहले से हम आपसे जुड़े हुए हैं, जब से हम इसमें सुकून से थे, जब से हम इसमें सुकून दीदी के प्रेजेंट बने तब से ही हम आपसे जुड़े हुए हैं, और उसके बाद ही आपने मेरा दामन कभी नहीं छोड़ा और मैं भी आप लोगों के साथ कभी नहीं छोड़ा। मुझे फख्र है क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था उस वक्त, जब बीजेपी में जब मैं चला गया मैं सिंगल एक आदमी में चला गया था, क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई माहौल बन गया था कि ईशान्य सुकून के दो टुकड़े करने की बात किया था उस वक्त भी, उस वक्त भी वही मतलब रंग दिया था कि ईशान्य सुकून के दो टुकड़े कर रहे हैं, यह अभी के ईशान्य सुकून को दो टुकड़े में बांटने के लिए बात कर रहा है, इस तरह की बात करके मुझे थोड़ा बहुत उस वक्त भी बदनाम करने की कोशिश किया। इस वक्त भी
सही बाबत में मिलेगा शुरुआत में, लेकिन मैंने बहुत सोचा, बहुत देखा, हालात को देखा, कर्गिज के आवाम की गरीबी को देखा, कर्गिज के आवाम की मुसीबत को देखा। आज तक हम अपने मुसीबत से बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि हम प्रोपेगंडा, झूठ, इन चीजों में हम लोग मजबूर रहा, उन्हीं में मजबूर रखा कि हमको आगे जाने के लिए हमको मौका मिला ही। जब से मैं पीडीपी में किया, मैं पीडीपी के भी बहुत मशहूर, मैं खुसूसन मोदी साहब का उनको ज्यादा नसीब करें, उन्होंने मुझे इस मिठाई पहुंचाने में उन्होंने मदद किया मुझे, और आप लोग का भी सहयोग रहा। उन्होंने मुझे ऐसा एक पोस्ट दे दिया जो कि प्रीति लवादों ने अपने जिंदगी में जिनको इतनी कुर्बानी देने के बाद भी उनको नसीब दिया, इतना खतरनाक पोस्ट मुझे दे। और आज तक कश्मीर में 3 दफा 2 दफा बॉर्डर चला गया, मेरा पोस्ट नहीं हो रहा है, कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए, मेरा पोस्ट अभी भी इस वक्त अभी राजस्थान पोस्ट गुजर करना है। मतलब हम जिस चीज जो चीज अच्छा करता है उस चीज का भी हमको अच्छा ही करना चाहिए, और उसके बाद बीजेपी सरकार बना, इस सरकार में दोनों सरकार ने मेरा साथ दिया, दोनों पार्टी के लोगों ने मुझे साथ दिया, और दोनों पार्टी के साथ देने की वजह से जो है करगिल में जो कितना हमने पैसा लाया, रुपया लाया, वो शायद आप लोग जानते हैं, आप लोग देख रहे हैं, अभी भी जो है टेंडर निकाल के अभी खत्म नहीं हो रहे, और जितने भी करगिल के 70% 80% जो रोड जो है उन सबको ब्लैक टॉपिंग किया गया है। आज तक वो रोड देखे हमने 40-40 साल से बने पड़े थे, लेकिन 1 रुपया उनको मेंटेनेंस के खर्चे भी नहीं आते, लेकिन वो रोड सबका हमने ऑपरेशन किया, वो रोड सबने हमको बनाया। सीआरएफ का कोई नाम निशान तक नहीं था, लदा रिजेंट सीआरएफ नाम का कोई नाम निशान नहीं था, जबकि सीआरएफ एक्चुअली लद्दाख में ही, मतलब वो लद्दाख के लिए ही, मतलब वो सुप्रीम में जो अगर देखेगा उसका नाम देखेगा तो लद्दाख के ही शुरू स्टेट के शेयर से हमें कोई रुपया नहीं आता, हमने वो भी दिलाया, हमने सीआरएफ का पैसा भी लाया, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन जितना मेरा अपना हैसियत था उस हैसियत से दुनिया में हमने काम करके दिखा भी, और हमें कोई भेदभाव नहीं। हमें क्या करगिल के लिए चाहे बुद्धिस्ट हो चाहे मुस्लिम, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, जितना प्रोजेक्ट हम सेंक्शन करेगा, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे पुल का प्रोजेक्ट हो, रोड का प्रोजेक्ट हो, फुटपाथ का प्रोजेक्ट हो, जो भी प्रोजेक्ट हो, बिजली का प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट बनना चाहिए। जितना प्रोजेक्ट बनेगा उतना पैसा करगिल के अंदर आएगा, जितना पैसा आएगा उतना लोग फकीर हो जाएंगे। मेरा सोच ये है, हमने कभी किसी को बल्कि हमारा अपोजिशन का गांव है जिसको हम काम नहीं करेंगे, हमने कभी नहीं सोचा, हमने जो मेरे सामने आया हमने सबको सेंक्शन कर दिए, उसकी वजह से अपोजिशन की मजबूर है कि हमें भाई ये चीज अच्छा किया बोलने के लिए मजबूर हो, और हमको सोचना भी चाहिए। आज भी जो है मैंने सोचा समझा अपने बुजुर्गों से, मेरे अपने जितने भी साथी थे, हमारे पोलिटिकल साथी थे, पोलिटिकल एडवाइजर थे, जिसमें हमारे उलमा भी थे, जिसमें हमारे बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, सबके मशवरे, तमाम लोगों को जमा करके पूछने का मुझे मौका नहीं मिला, उन सबको पूछ के मैंने सबसे राय देखी, मैंने ये कदम उठाया, उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाया, उन्होंने मुझे हौसला दिलाया, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए मशवरा दिया। उस मशवरे के तहत हमारे प्रेसिडेंट साहब सर, हमारे यूके प्रेजिडेंट असदुल्लाह साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर अली साहब थे, हमारे ऑनरेबल काउंसिलर जनाब मोहसिन साहब थे, हमारे बाजार के जो पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट साहब जनाब बाबर साहब थे, मेरे बाबर साहब, और हमारे हाजी इब्राहिम साहब जिसको हमारे कुछ लोगों ने यहाँ से जबरदस्ती उसको भाई आप एक साथ जाना पड़ेगा साथ जाने के, उसको उनके साथ साथी बना के भेजा कर, वो हमारा कार्यकर्ता है, हमारा यहाँ का वर्कर है, सबके दिन हम साथ चले गए वहां पर जाके हमने ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद भी हमको इतना विश्वास नहीं था, इतना यकीन नहीं था कि हम इतना कामयाब हो गए इस वक्त, लेकिन ये जो फैसला मैंने किया है ये हमने सोच समझ, इसमें मुझे इस वक्त मैंने सबका रिकॉर्ड रखा,
मैंने सबका जो फेसबुक पे आया हुआ है जो जो कमेंट्स आए हैं जो जो कमेंट्स व्हाट्सएप पे आए हुए हैं एसएमएस के थ्रू आए हैं मेरे पास सबका रिकॉर्ड है। मुझे बहुत सारे डॉक्टर भी हैं बहुत सारे मुलाजिम भी हैं बहुत सारे आम आदमी भी हैं बहुत यानी बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं हमेशा बोलता था कि भाई आप लोगों को जब उंगली चलाना आता है लेकिन उसको सोच समझ के हमेशा बोलता मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप लोग जो भी हो सोच समझ के लिखो जो भी लिखना है मैंने उन सबका फैल बना के रखा हुआ है हकीकत बोलूँ लेकिन मैं उनको बता नहीं दूंगा मैं सिर्फ उनको रिकॉर्ड रखूंगा अगर दोबारा ऐसा कोई हरकत मिले तो मैं उस वक्त मजबूर हो जाएगा हमको भी हमको ऐसे नहीं लिखे हकीकत बोलता क्योंकि किसी के साथ कोई पता के ऊपर किसी माँ बहन के ऊपर किसी मरे हुए मुर्दे के जनाजे के ऊपर अगर इस तरह के कॉमेंट्स देगा तो कभी वो हमारे आसपास से नहीं हो सकता। मुझे बेशक आप काफी हो कोई बात नहीं मुझे आप हिंदू बनाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे आप बुद्धिस्ट का जोड़ो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं सब कुछ करने के लिए और करगिल के आवाम के करगिल के भाइयों के हाजी साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं हाजी साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं जिस तरह के आप अपने नाम देना चाहते हो जिस तरह के आप मुझे प्रोजेक्ट करना चाहते हो मुझे इस चीज का कोई इंतजार नहीं मैं किसी चीज का हमेशा मगर मैं गलत चीज कर पाता हूँ मुझे पता है भाई हर डिपार्टमेंट का पता है हर डिपार्टमेंट का पता है मैं इतना था उदा से मैं सियासी पार्टियों से जुड़ा हूँ पहले मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ उसके बाद मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ी इन्हीं दो पार्टियों से तो मैंने सियासत सीखा है तो मुझे कहाँ पता था ये सियासत क्या होता है इन्होंने तो मुझे सिखाया ये चीज इनके बदल तो मैं इतना बड़ा खतरनाक आदमी बन गया यहाँ पर इतना बड़ा चेयरमैन बन गया इंटर गवर्नमेंट कॉलेज की चेयरमैन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं उनको बुरा वाला नहीं कहूँ क्योंकि उन्होंने हमको सिखाया हम उनका कर देते हम उनके इज्जत करें आज जो मैं बन गया हूं अब जिस निजाम से मुझे पुकारेगा मुझे कोई इतराज आप मुझे अनिल के नाम पे पुकारो आप मुझे तोशे के नाम पे पुकारो किसी भी नाम से पुकारो मैं उस चीज को करने वाला नहीं मैं अकेला लड़ते आया हूं जब मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता था वहां भी मैं अकेला लड़ा उस वक्त भी मुझे उसको भी सहसा में भी चढ़ा दी उसके बाद मैं चाहे सुकून मिले तलवा तनख्वाह मिले अकेला रहने का तभी मैं अकेला लड़के मकबूल है आज भी मैं अकेला आज तो मैं अकेला नहीं मुझे बहुत सारे लोगों ने यहाँ से अपने मशवरे पे यहाँ से दे दिया ये क्रेडिट मैं लेना चाहता हूँ ये क्रेडिट मैं अपने भाई को देना चाहता हूँ मेरे भाई का क्रेडिट है मेरे बुजुर्गों का क्रेडिट है मेरे भाइयों का क्रेडिट मेरे मम्मू का क्रेडिट है जिन्होंने मुझे नसीहत देकर यहाँ से दे दिया ये क्रेडिट उनको जाता है हमेशा हमने कर्गिल के आवाम के लिए सोचा है कर्गिल के गरीबों के लिए सोचा है आज भी हम कर्गिल के गरीब आवाम के लिए हमने ये काम किया है क्योंकि युति जो है वो सिर्फ एक ही डिमांड है हम सब तो दिल्ली दिल्ली से मैंने बोल दिया क्योंकि हमारा डिमांड था ही नहीं हमारा डिमांड युति नहीं था वो देख डिमांड कर्गिल का कोई युति नहीं अब जबकि पूरा जेएनके में युति दिया गया तो कर्गिल वाले तीन चार आदमी यहाँ पर सलाम रखे कहाँ पहुंचे तब मैंने कहा भाई ठीक है अब देख लिया है अब शुरू से ही कह रहा हूँ मैं कौंसल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक अच्छा कमेटी बनाओ उसने सबको मिला सबसे मशवरा ले सब पार्टियों से मशवरा ले सब सिटीजन से मशवरा ले सब पढ़े लिखों से मशवरा लेके क्या क्या खामियां इसमें हमको है उस खामियों को दूर करने की जरूरत है उस चीज पे काम करने की जरूरत है उस चीज के लिए काम करना चाहिए और इंशाल्लाह कल एक मीटिंग हो गया है मेरी शुरुआत हो चुका है अब इस शुरुआत को मैं कौनसा के माध्यम से मैं कौनसा के रूप में चाहता हूँ क्योंकि कौनसा ही हमारे पास एक चीज है जो लेने कौनसा करके जो कौनसा ये दोनों की चीज से हम अपने कौन के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अपने लोगों के लिए फायदा ले सकते हैं इसमें क्या रद्द बदल करना है उसी का हम सिर्फ हम नहीं बोलते कि मैं भारतीय जनता पार्टी हो चाहे मैं अभी तो मैं खुद करके देगा मैं सब कुछ करके इसमें सबका उपाय होना चाहिए सबका इसमें साफ होना चाहिए और इस वक्त जो है जिस तरीके से हमको सेंटर के से डायरेक्ट हमारा खाता हो गया हम शुरू करते हैं कि
और ये मौका मिल गया, इसका फायदा हमें जरूर लेना चाहिए। और मैं बहुत सारे मंत्रियों से मेरा मुलाकात हो गया दिल्ली में, सबकी जबान पर यही है कि भाई हम लोग आपको अगर 102% आपको अगर ले से ज्यादा दी जाए तो हमको ऐसा नहीं कहना कि किसी ने बोला कि हम आपको कुछ नहीं, हम ले को देगा भाई, हमारे ले के साथ कोई वास्ता है ही, हमारा ले के साथ कोई वास्ता है नहीं, ले को हमारे साथ कोई वास्ता है, सिर्फ जब इस वक्त हमको जो चीज बनना है, जो चीज हमने करना है वो दोनों की जरूरत है, दोनों का जरूरत उसमें। अब ये जरा दोनों मिलकर करने के बाद करगिल को अपना काम करने के लिए अपना काम करगिल कौन सा वगैरह अपना, जब ये हो गया कौन सा का हिम्मत की बात, अगर कौन सा वहां पर अच्छा है जगह लीडर अच्छा होगा वो उसके हिम्मत की बात है, एक सेंटर से आप कितना फायदा ले वो कौन सा का काम है। हम बोले अब यहाँ पर कोई अफाइव ले गए थे हम लेके नीचे दिया है, ये वाला हम ये करेंगे, ये वाला हम लेके हमको क्या बात है, हम लोग आगे क्या करना है उसके सबको मिलजुल काम करने की जरूरत है, मिलजुल बैठने की जरूरत है। और इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के शुरुआत जो है और कोई ऑप्शन हमारे पास है आज की दौर, अगर कोई ऑप्शन है तो मुझे बताइए, इससे अच्छा कोई ऑप्शन है तो अगर लोगों के फायदे के लिए तो हमें कोई इंतराज नहीं, वो ऑप्शन ध्यान देखेंगे क्या है, अगर है तो है, कोई ऑप्शन नहीं है। अभी 30-35 साल जो है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम जब तक भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारे कोई हमारे पास और कोई हमारे पास चारा नहीं। मैं रुक गया, पीडीपी पार्टी का मैं तहदिल से शुक्रिया, क्योंकि करना बहुत जरूरी है, हमारे आवाम के लिए भी बहुत फायदा किया उन्होंने, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, और खुसूस कोलेशन सरकार जो बना उसकी वजह से हमको और भी फायदा, क्योंकि कोलेशन सरकार से सेंटर में जो बीजेपी का हुकूमत और कई प्रोजेक्ट जो वहां से वापस नहीं था, यहां से होके करके भेज दिया, स्टेट लेवल के ओर चला गया, सेंटर से कभी मतलब वापस नहीं आता देखिए उसको अवेलेबल सेक्शन, यही हमारे लिए एक कोलेशन सरकार का फायदा, लिहाजा हमें उनका शुक्रिया देना चाहिए, कोलेशन सरकार का भी शुक्रिया देना चाहिए और पीडीपी सरकार के लिए हमको पीडीपी पार्टी के लिए हमको शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि आज तक बीजेपी नहीं गया तो जो चीज उन्होंने अच्छा किया उसको हम बोलना नहीं चाहिए, हमको उनका भी कदर करना चाहिए, उनका भी याद रखना चाहिए, लेकिन आज से इस वक्त पूरा हिंदुस्तान में बीजेपी के साथ है तो कगिल वाला अलग कैसे बैठ सकते हैं, हम कगिल वाला अलग 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 होकर क्यों बैठे, हम क्या हिंदुस्तानी नहीं है, जब पूरे देश को ये मंजूर है बीजेपी, पूरा देश को मोदी मंजूर है तो हमको क्यों नहीं गई, हम तो हमको क्या चाहिए, पूरा देश क्या मुसलमानों को मंजूर है तो हमें क्या एतराज, लिहाजा अभी दिल्ली मत जाइए, इंशाल्लाह रहमान बहुत जल्द जो है यहाँ पर सेंटर से बहुत सारे और ये रिकॉर्ड होगा कभी में वो यहाँ सीधे करेंगे और जहां जहां जो कंसर्न जो हमारे जरूरी काम है जैसे कि हमारे सिविल इंजीनियर को हमें दावा देके आए हुए, ट्रेवल एफेयर मिनिस्टर को हमें दावा देके आए हुए, एजुकेशन मिनिस्टर को भी हमने दावा देके आए हुए, अच्छा हमारे हेल्थ मिनिस्टर को भी देके आए हुए, राम माधव जी भी आ रहे हैं वहां पर, अविनाश खन्ना जी भी आ रहे हैं, हमने बहुत सारे मिनिस्टर को हमने दावा देके आए हैं, उसमें से शायद 3-4 मिनिस्टर का कंफर्मेशन आ चुका है लेकिन डेट फिक्स नहीं हो गया है और चल जो डेट हो जाएगा, उस वक्त जो है हम लोग को पूरा अपना जोर दिखाना है, उस वक्त हमने अपना पूरा ताकत दिखाना है, आज हमारा डेट था 22 तारीख को उनको लेने का, वहां से लेके आने की फिक्स हो चुका है आज की डेट में, लेकिन यहाँ से बुजुर्ग का एक मशवरा है उन्होंने पहला पहले खुद आप इधर है पहले हम आपका स्वागत करना चाहते हैं लेकिन हमारा वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, अभी जो हमारा डेट ऑफिस हो चुका है लेकिन मैं डेट इसलिए नहीं बोल रहा, हो सकता है उसके ऊपर नीचे हो जाएगा तो
बाद में फिर यहाँ लोगों को बात बनाने के लिए हमारे यहाँ बात भेज दम चल जाती है, ठीक है ना। लेकिन बहुत एक दिन यहाँ पर आना है, एक दो दिन के लिए यहाँ पर बैठना है, उसके लिए उस वक्त आज ये बड़ा जैसे के लिए हमने प्रोग्राम रखा था। लेकिन यहाँ के इसी हिसाब से जो आप हमने कहा कि अभी जैसा करेंगे तो बाद में मिनिस्टर साहब जब आएंगे तो दोबारा करना पड़ेगा, तो लोगों को फिर तकलीफ हो जाएगा आने जाने के, क्योंकि हमारे लोग यहाँ पर इतने अनिल नहीं है कि वो हर रोज किराया देखे वक्त आ जाए। तो इसलिए हमने उसको पोस्टपोन करके आज छोटे से चीज में हमने खत्म कर दिया, और आने वाले दिन में जो है जब दूसरे लोग यहाँ पर पहुंचे, मिनिस्टर साहब यहाँ पहुंचे, इंडियन मिनिस्टर साहब, उस वक्त जो है हम एक ग्रैंड रिसेप्शन देने और ग्रैंड एक चर्चा करने के हमने प्रोग्राम रखा है। उस वक्त आप लोग आज की तरह ही आज आप लोग दो नंबर लेके आए, तो उस वक्त आप 10 नंबर लेके आपको पहुंचना है और उनसे हमने अपना फायदा लेना है और अपने फॉर्म भेजने भी करने पे हम लोग करना है। दूसरा करने के बारे में चाहे एयरपोर्ट के बारे में हो, चाहे हमारा हॉस्पिटल के बारे में हो, के बारे में हो, और अगर आप यह नहीं पाया तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ टूरिज्म मिनिस्टर को भी हमने दावा दिया हुआ है, हमने एक साल के अंदर इंशाल्लाह जो भी हम कंसर्न मिनिस्टर होगा वो भी यहाँ ला लोगे। जब स्टेट सरकार था उस वक्त भी मैंने यहाँ इलेक्शन की लाइन लगा कर बाद में एडवर्टीज ने हाथ जोड़ा मेहरबानी करके हमारे पास फंड के साथ हो गया और हमारे लोगों के लिए प्रॉब्लम भी हो गया क्योंकि यहाँ काम सब रुक गया। अब मेहरबानी करके इनका प्रोग्राम आप कैंसिल कर, ये मिशन की तरफ से बाकी मुझे पता है कि हर डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, एजुकेशन में क्या हो रहा है, पीओडी में कौन क्या कर रहा है, हमारे अकाउंट ऑफिस में क्या हो रहा है, एजुकेशन में कौन क्या कर रहा है, कौन आदमी कितने साल से कितने पोस्ट पर बैठा हुआ है, हमारे पास सब रिकॉर्ड है, हमारे पास सब कुछ मिल रहा है हमको। लेकिन हम की जाते हम की जाते हैं कि किसी के साथ बदल है, किसी को हम नीचे नहीं गए, हम कभी किसी के साथ हमने नहीं किया। लेकिन अगर फिर भी अगर नहीं मानेगा, फिर भी अगर उस बेचारे को वो प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर तो मजबूर हो जाएगा, आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर इस एक्शन होगा तो ये स्टेट लेवल का एक्शन नहीं होगा, ये सेंट्रल लेवल का एक्शन। डिपार्टमेंट में भी क्या क्या तमाशा हो रहा है वो भी हमको पता है। एक एक चीज का पता है मुझे, कोई ऐसा चीज नहीं है जिस डिपार्टमेंट से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। आप कुछ भी हो सकते फंड कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, फंड कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम आप लोग को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, सही है। हम भी अपने आप का ये दावेदार बन के हम अपने आप को थोप दे रहे हैं, हम अभी तमाशा देख रहे हैं, हम अभी तमाशा देख रहे हैं। यहाँ इंग्लिशी का कितना पैसा है, अभी कुछ लोग कहाँ करते हैं, उसमें कितना घोटाला है, वो सब हम सबको पता है, वो सब घोटाला निकल अगर सही तरीके से नहीं करें। हम को लोगों ने बेवकूफ बनाया, मैं भी बेवकूफ बन के बैठा है, लेकिन हम बेवकूफ नहीं है, हमने आप लोगों को बेवकूफ बनाया। ये बात आप दौड़ कर, कोई मुआवजी हो, कोई ऑफिसर हो, कोई कहाँ से क्या हो रहा है, किधर से क्या जा रहा है, किस चीज पे जा रहा है, इससे पहले कृषि में क्या चीज हो गया था, किस सब पता है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है क्योंकि इधर फंसा हुआ है, हड्डी फंसा हुआ है ना, वो अंदर कर सकते वो बाहर, क्योंकि वो बेचारा मजदूर है, वो मजदूर है, मजदूर इसलिए है क्योंकि उसकी कृषि में निकलने वाला कोई नहीं, कोई अगर ऑब्जेक्शन करेगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ आजकल यहाँ स्टेट लेवल पर हम लोग उसको हम कहाँ देते थे पुलिस एंटी करप्शन में देते थे, वहां भी तो वही हजरात बैठे हुए थे, यहाँ पर आते हैं अपना जेब भर के चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं होता था। यूटी बनने के बाद ये दूसरा कोई माहौल बनेगा, ये चीज नहीं करता। मैं अभी तक मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा, आप घबराना नहीं, मैं किसी की तरफ कोई बिना नहीं देने से एक मिनट से आप लोग होशियार करूंगा कि हम इतने बेहूम नहीं है, हम इतने लापरवाह नहीं है, इतने भी हम मतलब यानी हमको पता नहीं है, ये बात ये बोल गलती नहीं है। हर डिपार्टमेंट का हम बोले चीज आपको पता है, यहाँ पर मैं आप सबको होशियार करना चाहता हूँ, तमाम जिले के डिस्ट्रिक्ट के मुलाजिम सबको होशियार करना चाहता हूँ, हम लोगों को मिल के काम करना है, आगे तकनीक को बनाने की कोशिश करें, आगे बनाने की कोशिश करें। लिहाजा इसी चीज का मैं आप सबका तमाम का सब लोगों का गुजरात का बनू का जिन्होंने इतने गुजरातों के हमारे साथ यहाँ पर आए थे बैठे हैं, काफी पूरा दिन से यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार।
میں شکریہ ادا کرتا ہوں وہ تمام جتنے بھی بھائی ہو جتنے چاہے پرانے پارٹی میں پرانے رکن ہو چاہے نئے رکن جنہوں نے آج کے لیے تمام تین دس پندرہ دن سے اس میں کام کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے بہت سارے جوان جو ملے ہوئے ہیں ان سب کا میں ایک دن شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب سے شرما جی کا ہمارے ساتھ ہے انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کرتا ہوں ہم سب جو ہے جتنے بھی لوگ تھے ووٹرس تھے جتنے بھی ہمارے ووٹر تھے وہ سب اس وقت میں ہمارا پورا بی جے پی ہم سے بہتر آپ جب بھی کام کرنے ہیں جب بھی ہمارے وقت کام ہے وہ بجلی بھی آپ کے کام کرتے ہیں یہ آپ کے پکڑ